आपके स्क्रीन में दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है आपको? पेन स्क्रीन में दिया है पेज नंबर 31। प्रैक्टिस टाइम इसको आपको करना है। प्रैक्टिस टाइम आर्ट बुक मैम किताब किताब बुक बुक कितनी पड़ेगी? पहले बुक में बुक निकाल लीजिए सर। अच्छी क्यों नहीं है? इस तरह में चाहिए पकड़ी और आपको कब मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। सबने ओपन कर लिया वो? यस मैम। इसमें ए दिया है, कैपिटल ए। उसमें एक गर्ल बनी हुई है, ओके? उसमें एक गर्ल बनी हुई आपको यहाँ पर यूज करना है, शी एंड हर, ओके? और नीचे बी बी नंबर में एक बॉय बना हुआ है, वहां पर आपको यूज करना है ओके? सो फर्स्ट यू विल म्यूट योर माइक। पहले माइक को म्यूट करना है, तभी आपको समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं। सो ऑल म्यूट योर माइक। माइक को म्यूट करिए, नहीं हमको म्यूट करना पड़ेगा सबको। युषिका म्यूट करिए माइक। सभी म्यूट करिए। मैम पेज नंबर कितना है? 31 बेटा। ईवीएस की जो आपकी बुक है, ये सॉरी इंग्लिश की जो है स्पेक्ट्रम, दिस वन स्पेक्ट्रम बुक है, उसका पेज नंबर 31। ही और शी को पढ़ा रहे थे। ओके, मिल गया है। अब इसको आपको करना है, कैसे करोगे वो हमें अभी हमने आपको करवा चुके हैं। शी ऑन हर ही एंड हिज कैसे यूज करना है ये आपको बता चुके हैं हम। आज आपको करना है। मैम मैम हाँ, कौन बोल रहा है? आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं? सभी बच्चों को स्क्रीन में दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, तो वही आप अपनी बुक में ओपन करिए वही पेज जो दिख रहा है स्क्रीन में। हमारा कलर नहीं है इसमें, कलर पिक्चर नहीं है हमारी बुक में। आप अपनी बुक का ओपन करिए पेज नंबर 31, यही पेज निकालिए जिसमें लिखा प्रैक्टिस टाइम। अब इसमें बॉक्स में आपको भरना है। सबसे पहले क्या भरोगे यहाँ पे ए वाले में? फर्स्ट बॉक्स में क्या भरोगे? शी। ओके, यू विल राइट शी। मैं नहीं रहा।
बोलो ही हर बोलो हर जोर से बोलो ना हर देखो खाइस्तान इज घर है देखो इज घर है मैम बुक में करना है नोटबुक में
फादर नेक्स्ट ईयर लाइन दी है फादर्स रिलेटेड डैश लव्स मीरा वेरी मच फॉर उनके फादर तो ही लव्स मीरा वेरी मच इसमें फादर के बारे कौन मीरा बहुत चाहता है उनके फादर लव्स मीरा और ये जो फादर है वो मीरा इसलिए फादर है पापा उनके लिए ही यूज होगा फादर मीन्स मैन और बॉयज तो फादर के लिए ही यूज ही लव्स मीरा वेरी मच इसके बाद है मीरा वेरी मच मीरा हू लव्स हर फादर मैम आखिरी वाली लाइन पढ़ के बता दीजिए अभी हम फिर बताएंगे मीरा के लव्स पहले से उसको छोड़ दो रुको उसको छोड़ दो ही लव वेरी वी ई इधर एक अक्षर छोड़ दो इधर से ये को वेरी ये खुवा देंगे जो मैडम बोलेंगे वेरी वी ई आर वाई ये को ये जो दिया है वो मैं हर दिया है हर मतलब ये ना के पापा फिर इसके बाद ये लिखा है वी ई आर वाई मीरा के पापा को ये तो राइट है कि ही लव्स मीरा वेरी मच मीरा के पापा है मीरा इधर पे ये को M W E R आप लोग माइंड में कुछ कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा बार बार बोलने के बाद पेरेंट्स क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं हमको डिस्टर्ब होता है मीरा टू लव्स हर फादर मीरा भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है हर अपने फादर से लास्ट में ये He and she, father, she and his, उसके पापा, her father are good friend. She. Good friends. On the Mira, she Mira or Mira ke papa. Okay, her father. Iske father. She were or iske papa are good friends. So ye aapka pura A wala hai. A wala section part hai. Isko aap pehle note kar lijiye. B wala aapko homework rahega. Ye aapko homework karna hai.
मैम मेरा हो गया, नंदनी प्रिया का मैं दिखा दूं। ओके ओके मैम इंडस्ट्री का नाम हो गया, हो गया सत्ता, हो गया नो मैम अभी मेरा नहीं हुआ बताने के बाद। माइक को म्यूट कर दीजिए। मैम सिद्धि का हो गया, मैम सिद्धि का हो गया, मैम सिद्धि का हो गया। जिनका हो गया वेरी गुड। मैम फोर्थ नंबर में क्या लिखना है? क्या फोर्थ नंबर में क्या लिखना है? गुड के बाद क्या लिखा सबसे लास्ट में? आपके लिसन आपके ग्रुप में भेज दिया, ठीक है? जिसको समझ नहीं आ रहा है देखकर आप लोग उससे देखकर लिख लोगे। बोर्ड पर पूरा भेज दिया, यहाँ से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। जिन्हें समझ नहीं आ रहा अभी आपको भेज दिया उसे देख लीजिए, यहाँ बोर्ड से नहीं समझ आ रहा। और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। मैम मेरा हो गया। ओके
हमने से ग्रुप में भेज दिया है और जो नीचे का बी पार्ट दिया है वो क्या है, बी पार्ट दिया है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, हमने ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग देख लीजिए और होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग बाय करें। बाय मैम। बाय बाय।